रियाज के घर से एविक्ट होने के बाद ये लॉस जो है उमर रियाज का नहीं बल्कि बिग बॉस का है, कलर्स टीवी का है, वोट का है। आखिरकार ये बातें कौन कहते हुए नजर आए हैं उमर रियाज की तरफ से, क्या कुछ है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ बिग बॉस सीजन 15 के घर से एक बहुत ही सैड एविक्शन हुआ है और ये अब तक का सबसे अनफेयर एविक्शन माना जा रहा है क्योंकि उमर रियाज घर से बेघर कर दिए गए हैं। जी हाँ, खबरें तो यही आ रही थी कि फैंस का उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वोट्स भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को लेकर उमर रियाज को एविक्ट कर दिया गया है। वेल, इसी बात पर नौमान इलाही यानी कि उमर रियाज के जो कज़न ब्रदर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी की है बिग बॉस के मेकर्स के खिलाफ, कलर्स टीवी के खिलाफ और वुड्स के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दूं कि नोमान इलाही अब तक जो उमर रियाज की जो जो भी सोशल मीडिया थी, चाहे वो किसी ट्रेंड को लेकर हो, उनका सोशल मीडिया पर प्रमोशन हो, उनके वोट्स को लेकर, वो सारी चीज़ें नोमान इलाही ही संभाल रहे थे और वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उमर आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, उमर आर्मी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। वेल, इसी बात पर जब बिग बॉस सीजन 15 के घर से उमर रियाज का एविक्शन हुआ तो नोमान इलाही ने स्टेटमेंट जारी की है, एक ट्वीट किया है बिग बॉस के मेकर्स के लिए। उन्होंने लिखा है, ये लॉस उमर रियाज का नहीं बल्कि ये लॉस है बिग बॉस का। जी हाँ, क्या आपके हिसाब से भी नोमान इलाही की ये बातें क्या सचमुच सही है, क्या उमर रियाज के निकलने से बिग बॉस पर बहुत ज़्यादा बड़ा वाला लॉस आने वाला है, क्या TRP घटने वाली है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।